सफलतापूर्वक 8 साल पूरे किए और जन कल्याणकारी योजनाओं के लेके लोगों में जो उत्साह है, लोगों तक ये योजना पहुंची है और सबका साथ, सबका विकास, सबके विकास विश्वास के साथ, सबके प्रयास के समय में हम लोगों ने बहुत सारी जगह पे से सोलन से पूरे लाभार्थियों के साथ संवाद किया। बाद में हर एक मंत्रियों को अलग अलग जगह पे जाना था, इसमें मेरा ये कोल्हापुर पहला दौरा है। सबको मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को भी नमस्कार। और शहर भी सुंदर है, लोग भी अच्छे हैं और इसके साथ में जो आज मैंने सुबह से जितनी भी योजना के साथ कलेक्टर और कमिश्नर के साथ में जन कल्याणकारी योजना के लाभार्थियों से जो संवाद किया वो भी बहुत अच्छा लगा। जो योजना यहाँ पे सबसे अच्छी और हम लोगों को लगता है कि सबको जीवन में परिवर्तित करने वाली, जो हम लोगों ने किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प किया और एक साथ में 21 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे जो पैसे ट्रांसफ़र हुए, इसमें यहाँ पे बहुत अच्छे से किसानों के साथ संवाद में ये बात निकल कर आई के उनके खाते में 10 हफ्ता 2000 वाला 10 हफ्ते उसके पैसे जमा हो चुके हैं। इसके बाद में जो जन कल्याणकारी योजना, जो प्रधानमंत्री अन्न सहाय योजना, जो कोविड के समय के बाद में भी हम लोगों ने लोगों तक दिसंबर तक पहुंचाने के लिए जो शुरुआत करी है उसमें, और जो महिलाओं के बैंक अकाउंट में भी सीधे पैसे ट्रांसफ़र हुए, उससे भी मेरा संवाद हुआ। घर के घर का सपना सब लोग देखते हैं और प्रधानमंत्री आवास रूरल और ग्रामीण और सिटी विस्तार के दोनों मैंने देखे तो वो भी अच्छे मॉडल है और वहाँ से भी जो लोगों को घर मिला था उनसे में सीधे पैसे ट्रांसफ़र हुए। स्वनिधि से संवाद में ये बातें भी निकल कर आई, सशक्तिकरण की बात, महिला सशक्तिकरण के लिए जो योजना बनी सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, उन लोगों ने अपना जो काम किया है, जो काम कर रही है और उसके साथ भी संवाद में महिलाओं ने बहुत विश्वास प्रधानमंत्री के प्रति जताया और उन्होंने बहुत उत्साह से उनको आशीर्वाद भी दिया कैसे प्रधानमंत्री है जो महिलाओं का ध्यान रखते हैं। कुपोषित पोषण में जो जूझ रहे बच्चे के साथ का भी मैंने संवाद किया और वहाँ पे भी प्रेग्नेंट लेडी को जो आंगनवाड़ी के माध्यम से जो सहाय मिलती है वो लाभार्थी से भी मैंने बात की। तो अलग अलग योजना, वो अमृत सरोवर योजना जो अमृत काल में हम लोगों ने जो तय किया है तो ज़िले में बहुत अच्छा 75 से ज़्यादा 81 अमृत तालाब बनने का वो प्रावधान किया गया है। स्वनिधि योजना में भी मैंने देखा कि जो टारगेट से आगे यहाँ पे अचीवमेंट हो चुका है। तो मैं प्रशासन के सभी जितने भी सरकारी अधिकारी और इसके साथ में जनता ने, जो लाभार्थी ने जो संवाद किया वो बहुत अच्छा मुझे लगा। आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ में मैं संवाद करूँगी और बहुत सारे निर्णय ऐसे हैं सरकार के जिसमें लोगों का विश्वास अभी बहुत बड़ा। अभी राज्य के जी के साथ में वहाँ का बना हुआ राम मंदिर देखने गई थी, जो हमारी आस्था का केंद्र राम मंदिर अयोध्या में बनने वाला है तो उसके निर्माण का काम पूरे जोशों से चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में जो अछूता प्रदेश थे वहाँ पे भी सभी मंत्रियों का दौरा बार बार होता है, वहाँ पे भी डेवलपमेंट के काम बहुत अच्छे से चल रहे हैं।
और पूरे सेवन सिस्टर्स में कहा जाता है कि वहाँ जितनी जितनी भी योजनाओं आसाम से लेकर नागालैंड मिजोरम तक मैं गई तो बहुत स्टेट का दौरा भी हुआ और बहुत अच्छे से काम हुआ। जम्मू कश्मीर जो था 375A के बाद में वहाँ पे भी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो कार्यक्रम लगाए थे इसमें जब मेरा दौरा हुआ तो वहाँ की टेक्सटाइल और वहाँ के हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की पश्मीना साल वगैरह तो उसको बहुत अच्छे से सरकार ने उसकी मार्केटिंग के लिए जो योजना बनाई, सिल्क के लिए जो टेक्सटाइल के लिए योजना बनाई, गुवाहाटी में भी हम लोगों ने MOU साइन किया क्योंकि इंटरनेशनली जो कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री हमारी थी जैसे ये कोल्हापुर और महाराष्ट्र में ज़्यादातर कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री है और किसानों को उनकी MSP से ज़्यादा पैसे मिल रहे, सबसे ज़्यादा प्राइस इस बार मिले हैं और इसके साथ ही इसमें जुड़ी हुई इंडस्ट्री और पूरी वैल्यू चेन जैसे कॉटन फाइबर टू फैब्रिक टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन 5F पे हम लोग काम कर रहे हैं टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में। लेकिन इसके बाद में कोविड में जो हालात हुए, सबसे ज़्यादा वैक्सीन हम लोगों ने दी, वैक्सीन को हम लोगों ने लोगों तक पहुंचाया, लगाया दो दो डोज और इसके साथ में हमारे साइंटिस्टों के उत्साह के साथ में ये 2 साल के अंदर उसकी मतलब यहाँ पे हम लोगों ने हमारे साइंटिस्टों ने बनाई भी और जो अलग कंट्रीज़ में भी हम लोगों ने उनकी सप्लाई की तो ये व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। कोविड के बाद जो हालात सुधरने के साथ साथ में जो इकोनॉमी पे हम लोगों को फोकस करना था, 400 बिलियन की एक्सपोर्ट के टारगेट को हम लोगों ने 17 दिन पहले अचीव कर लिया और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 3 प्रकार के जैसे PPE किट बनती नहीं थी, मास्क बनते नहीं थे लेकिन अब हम वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गए। तो मैनमेड फाइबर पूरी इंडस्ट्री, अब हमारे भारत की इंडस्ट्री कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री है लेकिन पूरी वर्ल्ड रहा देश में 10,683 करोड़ की योजना में 67 कंपनी ने ऐड किया और इसमें से 61 को मंजूरी मिल गई। इसमें PPE किट के बाद में जो टेक्निकल टेक्सटाइल है इसमें आर्मी के कपड़े बनने लगे, कारपेट्स, कर्टन्स और बैग्स के मटेरियल, बहुत सारी टेक्निकल में जैसे रोड्स के अंदर जियो टेक्सटाइल के लिए भी जितना हम लोगों ने यूज़ बढ़ाया है और नई टेक्निक के साथ में आने वाले भारत में आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प किया है लोकल फॉर वोकल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसको भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैनमेड फाइबर की योजना के लिए और उसके साथ में फैब्रिक के लिए मेगा पार्क का भी हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया है। पूरे देश में 7 मेगा पार्क बनने वाले हैं PM मित्र पार्क और वहाँ 1,000 एकड़ जगह में स्टेट गवर्नमेंट का स्टैक 51% रहेगा और इसमें पूरे देश में से 13 राज्यों ने इंटरेस्ट दिखाया है जिसमें 7 मंजूरी मिलेगी तो बहुत गति से कहा है। रेलवे मंत्रालय ने भी अपना नया संकल्प किया है, 75 वंदे भारत ट्रेन का संकल्प किया था, ये बजट के बाद में 400 वंदे भारत ट्रेन जिसमें पहली 2 ट्रेन चल चुकी है वाराणसी से दिल्ली और दिल्ली से कटरा और इसकी फैक्ट्री के में प्रोडक्शन में जो उसका 2 वर्जन आने वाला है इसके लिए हम लोग के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी योजना बनाई जिसमें पूरे 100 कार्गो टर्मिनल बनेंगे क्योंकि ट्रेन जिस तरह से इस समय में ऑक्सीजन टैंकर और फूड सप्लाई के लिए काम करती रही, श्रमिकों को एक दूसरे के जगह लेके जा रही, उसके साथ में कोई माल सामान के लिए भी उसका उपयोग ज़्यादा हो, सीमेंट फैक्ट्रियाँ हो, लोखंड की फैक्ट्रियाँ हो, आयरन का सप्लाई हो, जैसे फर्नीचर चले, कार ये जो अपने व्हीकल है उसके लिए ज़्यादा उसका यूज़ हो जाए तो इसके लिए हम लोग ने काफ़ी बढ़ावा दिया हुआ है। सूरत से जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ 150 ट्रेन टेक्सटाइल की चली, सिर्फ टेक्सटाइल का माल जाता है। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच सरकार का बहुत अच्छा है, दोनों मंत्रालय 3-4 मंत्रालय एक दूसरे को साथ में मिलकर काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने पोस्ट विभाग से कोऑर्डिनेशन करके एक पायलट प्रोजेक्ट किया कि अपने घर से सामान 12.60 रुपये किलो में लेके वही ट्रेन से दूसरे दिन वहाँ गंतव्य स्थान पर पहुँच जाएंगे तो लास्ट माइल डिलीवरी के लिए भी बहुत सारी योजना बनी है। केबलिंग का काम चल रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, डबलिंग का काम चल रहा है, PPP मॉडल पे स्टेशन के डेवलपमेंट का काम चल रहा है और इसके साथ में सरकार ने तय किया है कि उन्होंने जो कवच का हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया और उसके साथ में कवच योजना के बाद में खुद रेल मंत्री ने उसका ट्रायल लिया कि 2 ट्रेन एक साथ में आ जाए
तो उसके सिग्नलिंग से, उसके एक्सीडेंट से पहले वो रुक जाती है। तो ये हमारे साइंटिस्टों ने बनाई, यहाँ पे उसका रिसर्च हुआ। और रेलवे की जगह में जितने भी एंक्रोचमेंट थे वो जगह को खाली करके अभी एक बहुत अच्छा मॉडल हम लोगों ने पश्चिम बंगाल में किया कि वहाँ पे खेल कूद के लिए सरकार बहुत बढ़ावा दे रही है, अपने प्लेयर्स को बहुत सारा उनको सपोर्ट कर रही है। तो वहाँ पे हम लोगों ने रेलवे की जगह पे स्पोर्ट मिनिस्ट्री के साथ में एक स्टेडियम बनाया जो हम बना के देंगे और बाद में वो स्पोर्ट मिनिस्ट्री उसको आगे लेके जाएगी और उसका मेंटेनेंस करेंगी। तो काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी नयापन हम लोगों ने तय किया है और ये संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सभी मंत्रालय ने अपने अपने संकल्प किए हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश में नहीं लेकिन विदेश में भी, यूक्रेन में जो गंगा ऑपरेशन चला, अपने मंत्री यहाँ जाके जो बच्चे को वहाँ रेस्क्यू करके लाए, ऐसे कई सारी घटना हुई जो आत्मनिर्भर भारत और भारत का मान बढ़ाने वाली रही। अपने तिरंगा का मान हम लोगों ने जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है, तो 7-8 साल में बहुत सारी ऐसी योजना रही के लोगों को अच्छा भी लगा, लोग जुड़ते भी गए। और सबसे बड़ी आयुष्मान योजना, सबसे बड़ी उज्ज्वला योजना और उसके साथ में हेल्थ रिलेटेड, जैसे 21 तारीख को जून में वर्ल्ड योगा डे आने वाला है, तो बहुत सारी स्कीम लेके हम प्रजा के बीच में हैं। और ये जन कल्याणकारी योजना ही लोगों में, हम राजनीति नहीं करते। जैसे मैं रेल मंत्री हूँ तो रेल मंत्रालय के नाते हम लोगों ने बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो शुरू किया है उसका काफ़ी काम आगे चल रहा है। पहले 6 किलोमीटर की गति से काम चलता था, अब 12 किलोमीटर की गति से काम चल रहा है। जो गुजरात का पोर्शन है वहाँ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में 99% जगह एक्वायर की गई, जमीन अपने पास है और वहाँ पे सीधा काम चालू हुआ। जापान टेक्नोलॉजी से बनने वाली ट्रेन, उसके पिलर खड़े हो गए हैं, उसके बॉक्स बन गए हैं। जो मानसून के सेशन में जो काम करने वाला है, अभी हम लोगों ने उनका भी दौरा किया, तो वहाँ पे भी अपने साइंटिस्ट, अपने इंजीनियर्स, अपने लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा रेवन वहाँ पे लोग नौकरी से जुड़े हुए हैं जिनको रोज़गार मिल रहा है। तो जहाँ जहाँ पे भी डेवलपमेंट आता है, जो बड़े प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट में, इसमें भी गतिशक्ति योजना का जो हम लोगों ने कंसेप्ट किया, जिसमें कभी कई सारी योजना थी कि जिसमें एक दूसरे की मंत्रालय में संवाद ना होने के कारण या कोऑर्डिनेशन ना होने के कारण बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट अटके हुए थे। तो इसके लिए एविएशन, रोड, रेलवेज और 7 मंत्रालय इकट्ठा होकर गतिशक्ति प्लान बना और इसी के ऊपर सरकार काम कर रही है। तो आज तो सबसे ज़्यादा मैं दोनों, मेरे मंत्रालय से ज़्यादा मैं जानती हूँ कि ये जो कल्याण योजना है कि जो लोगों के जीवन धोरण सुधारने के लिए मिले हुए, हमें 75 साल हुए। 75 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर या तो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो जो नहीं हुआ था, उसके लिए हम लोगों ने संकल्प ले लिया है। पूरी सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है हमारी, इतनी बड़ी सेना है, सबसे बड़ी पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे कार्यकर्ता, ये सभी योजना नड्डा जी और अमित जी के साथ मिलकर ये योजना लोगों तक पहुँचाने के लिए, ले जाने के लिए सक्षम है और वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों को मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को कोई अपनी ओर से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैडम जी, आपने अभी बताया, बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से डॉलर की तुलना में रुपया बहुत ही गिर रहा है, कमजोर हो रहा है और बढ़ती महंगाई का आप देख ही रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना? 2 बार ऐसा हुआ है कि ये यूक्रेन के वॉर के बाद में, अगर आप कंपैरिजन सिर्फ अमेरिका का ना करके बाकी देशों का भी करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या हालत है। और डॉलर के लिए अमेरिका के सामने जो हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, सभी और भी मंत्रालय, मतलब और भी कंट्री के साथ में जो हमारे रिलेशन हुए, सबसे ज़्यादा जो अभी बायलैटरल रिलेशन हुआ जो व्यापार के लिए, यूएई के साथ में, यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो व्यापारिक संबंध हम लोगों ने बनाए और भी कंट्री के साथ में, मैंने जैसे बोला कि एक्सपोर्ट का हम लोगों का टारगेट हमने 17 दिन पहले अचीव कर लिया, और वो अचीव करने के लिए जो हमारी इकोनॉमी है, हमारा जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा मॉडल जो है भारत मॉडल, उसको आगे ले जाने के लिए हम लोग ने काम करना शुरू कर लिया। मैडम, अभी आपने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का जो प्रोग्रेस कार्ड है वो आपने रख लिया है, लेकिन विवरों को बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, जैसे कि कॉटन के बढ़ते रेट, कॉटन के बढ़ते रेट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉटन इंपोर्ट करने के लिए बैन किया है, फिर
लेकिन उनका कहना है कि इसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। और दूसरी बात है कि टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड के बहुत सारे सब्सिडी भी नहीं मिल रही। टफ के लिए हम लोगों ने डेडलाइन तय कर ली है जो टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड, अच्छा सवाल कर लिया, और मैं उसके बारे में डिटेल में इसलिए बताना चाहती हूँ कि 2014 से पहले जो सरकार थी उसने योजना तो घोषित कर ली लेकिन उसके लिए फंड एलोकेट नहीं किया था। तो 2014 के बाद में हम लोगों को उसके लिए हम लोगों को आयोजन करना पड़ा, योजना के लिए पैसे निकालने पड़े, और इसके साथ में बहुत घोटाले हुए थे, कई लोगों ने मशीन लगाई नहीं थी और वो कर लिया था। इसके चलते एम टफ आर योजना हम लोग गए, पहले ऐसा होता था बैंक के माध्यम से योजना जाते थे, अब हम लोगों ने इसमें भी डायरेक्ट ट्रांसपेरेंसी कर ली है। जिस तरह से ये सभी योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से होती रही है तो टफ में भी ऐसा किया गया कि ये टफ में जो बैंक को अपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे वो नहीं किए थे। तो हमने 4 बड़े कैंप लगाए, अपनी ऑफिसर निकल कर टेक्सटाइल कमिश्नर के लोग फील्ड में जाने लगे, और फील्ड में जाके हम लोगों ने सॉल्यूशन, हम लोगों ने एक कैंप बैंगलोर में लगाया, हमने मद्रास में, चेन्नई में लगाया, मुंबई में लगाया, अहमदाबाद में लगाया, सूरत में लगाया, और उनको डेडलाइन दे गया है कि ये टफ की स्कीम के बाद में अब पुराने टफ को लेके नहीं जाएंगे, उसको कवर कर लेंगे। दूसरी बात, जो टेक्निकल टेक्सटाइल के साथ साथ में जितनी भी ये योजना बनी है उसके लिए जो भी इंडस्ट्री है बहुत प्रभावित है और बहुत खुश भी है। कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री में ऐसा हुआ है कि पहली बार अपने किसानों को जो कपास जो अपना बनाते उनको बहुत अच्छे दाम मिले, और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री अकेला कोई निर्णय नहीं लेती, अगर उनको कुछ एंटी डंपिंग ड्यूटी या तो कोई टैक्स लगाना है तो फाइनेंस के पास जाना पड़ता है, अगर कपास की बात आती हो तो एग्रीकल्चर के पास जाना होता है, कई सारे टेक्सटाइल के ऐसे यान भी बनते हैं जिसमें हमें केमिकल फर्टिलाइजर के पास जाना पड़ता है, अगर विदेश नीति की बात आए जैसे चाइना से कोई माल आता है तो उसके लिए हम लोगों को स्टैंड लेना पड़ता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोगों को बिजनेस और राजनीति दोनों साथ में नहीं चलेगी। तो चाइना से हम लोगों को कॉम्पीट करना है, उसको एक्सपोर्ट करना है लेकिन यहाँ से कुछ लाना नहीं। तो बहुत सारे बदलाव किए गए, और कॉटन इंडस्ट्री के लिए भी हम लोगों ने साथ में बैठ के सबसे ज़्यादा स्टेक होल्डर से बात अगर की है तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने की है, सबको एक साथ में बैठाया है, जो पहले ही मैंने बता दिया कि ये वैल्यू चेन में काम करते हैं। तो वैल्यू चेन में इतना गवर्नमेंट का इंटरव्यू कम होता है उतना सबके लिए अच्छा होता है। कभी कभी एक्सपोर्टर्स ज़्यादा कमाते हैं, कभी रेडीमेड वाले ज़्यादा कमाते हैं, कभी प्रोडक्शन वाले, कभी ट्विस्टिंग वाले, कभी स्पिनर। तो ये बार कॉटन के अच्छे दाम मिले हैं, कॉटन के दाम के बाद में जो क्वालिटी कॉटन चाहिए उसके लिए सीड्स वगैरह का प्रोविज़न हो गया है, जब पहला इसका सीड्स के साथ में जो प्रोडक्शन बाहर आएगा बहुत अच्छा मिलने लगा है, ट्रेडर्स के साथ भी बात हो गई, माल का बढ़ावा ना हो जाए। तो जो जितने भी स्टेक होल्डर से ये सरकार बातचीत से समस्या हल करती है। जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो टैक्सेशन की बात आई थी तो लोग टैक्स के बारे में तैयार ही नहीं थे क्योंकि कपड़ा हमेशा जीएसटी से एग्जम्प्टेड था, तो वहाँ पे भी ऐसा हुआ कि 5% 12% 18% अलग अलग स्लैब में धीरे धीरे से बातचीत करके ये समस्या जब से ज़्यादा अपने नए आने वाले जनरेशन के लिए जो जीएसटी वन नेशन वन टैक्स का जो स्ट्रक्चर बनाया है इसके हिसाब से इंडस्ट्री बहुत खुश है, ट्रांसपेरेंस है, और अब आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग एक अच्छा मैसेज लेके जाएंगे। आज मैं अधिकारी के साथ भी हम रेलवे के साथ बैठे हैं, अब कोई पर्टिकुलर सवाल जो पूछेंगे वो मैं इसलिए नहीं बता पाऊंगी क्योंकि आज धनंजय जी से भी मेरी बात हुई है, कई सारी डिमांड ऐसी है उन्होंने मुझे भी बताई है। 2-3 चीज़ें मैं बता दूँ जो आपके क्वेश्चन में आएगी कि आपके यहाँ कोविड से पहले जो ट्रेन चलती थी वो अब क्यों नहीं चल रही है, तो जो हुआ है तो उसके लिए मैं बताती हूँ कि कोविड में ज़्यादा ट्रेनें पैसेंजर्स को ले जाने के बजाय वो लोगों को और फूड सप्लाई के लिए, जैसे अभी कोलसे का जो हाल हुआ है, कोलसे को ले जाने के लिए सभी ट्रेन का प्रोविज़न करना पड़ा है, तो ये चीज़ों के अंदर जो ट्रेनें थी उसमें एक IIT के स्टूडेंट के पास में हम लोगों ने एक सर्वे कराया था, जो रूट प्रॉफिटेबल नहीं था उसको हम लोगों ने टेम्पररी बंद किया हुआ था, वो ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन में कन्वर्ट किया था, अब धीरे धीरे 80% ट्रेन चालू हो चुकी है, फिर से उसको रिस्टोर किया गया है, लेकिन जहाँ पे जिसकी कमर्शियल वैल्यू नहीं है या स्टॉपेज की वजह से उसकी स्पीड में प्रॉब्लम आती है वो ट्रेन को हम लोगों ने सोचा है, और इसके लिए एक नई हम लोगों ने ये पार्लियामेंट के सेशन
के दरमियान ये बात आई कि अगर कोई जगह से और या कोई शहर से डेली अप एंड डाउन वाली या बहुत सारी डिमांड आएगी तो हम 6 महीने ट्रायल बेस पे चलाएंगे, फिर अगर उसकी कमर्शियल वैल्यू नहीं होंगी तो हम बंद कर लेंगे। तो ये जो पुरानी ट्रेनें थी, स्टॉपेज थी, और इसमें नया कुछ निकले बजाय हम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब ममता जी और उसके बाद में जितने भी रेल मंत्री आए उतने बहुत सारी घोषणाएं कर दी लेकिन काम के नाम पर जीरो थे। तो जो बदलाव लाना था, जो सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी रेल लाइन है, जो सबसे पुरानी रेल लाइन अपनी है और वहाँ पे रेलवे की जगह पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अभी दाहोद के अंदर सरकार ने एक अपनी जगह रेलवे की जगह पे जो कोच फैक्ट्री का 20,000 करोड़ की कोच फैक्ट्री का फाउंडेशन स्टोन लगा और वहाँ पे जो लोकोमोटिव बनेगा वो 9,000 हॉर्स पावर का जो इंजन पूरे दुनिया में नहीं है वो यहाँ पे बनेंगे और पूरी दुनिया में 6,000 हॉर्स पावर का चलता है। तो हम लोग टेक्निकली भी आगे हैं, हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सोचा है और इसके साथ साथ में सिर्फ पैसेंजर के साथ में पैसेंजर में क्लेनलीनेस हो, स्टेशन बहुत अच्छा, एक मुझे पॉइंट याद आया कि 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, जैसे स्टेशन जो हार्ट ऑफ द सिटी होता है तो उसका दोनों तरफ से एक्सेस हमारे प्रधानमंत्री जो है वो एक चाय बेचने स्टेशन पे उनकी जिंदगी गई है। तो उनका ऐसा होता है कि रात दिन चलने वाली ट्रेन के अंदर 24 घंटे वहाँ खाना मिलना चाहिए, वहाँ पे चाय मिलनी चाहिए, वहाँ लोगों को शॉपिंग का एरिया भी होना चाहिए। तो वहाँ हम लोगों ने 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के लिए भी एक स्टॉल बना दिया है जहाँ पर हर एक 15 दिन के अंदर लोकल जो लोग होंगे उसकी चीज़ें वहाँ पे बिकने को मिलेंगी। और ऐसा भी नहीं है कि एक को दे दिया ठेका और बाद में उसको बदलेगा, नहीं, उसके लिए मैंने बता दिया ना कि वो जो रिस्टोर करने वाला है उसका जो मापदंड बनाया है उसमें अगर पैरामीटर में फेट बैठेंगे तो वो कर लेंगे हम लोग। कॉमन पीपल सर हो रहा है क्योंकि यहाँ से गोलापुर से अगर मेरठ जाना चाहते हैं तो 12-15 रुपए में हो जाता है, अगर बस पकड़नी है तो उसमें मैंने बोला कि कोविड के टाइम में जितनी भी ट्रेनें बंद हुई है, मैं जब अभी आज DRM से मिलूंगी तो मैं आपकी जितनी भी ट्रेन, धनंजय भाई ने भी मुझे दिया है वो पूरा है, वो करके मैं उनके माध्यम से आपको वो जानकारी दे दूँगी। मैडम जी, एक कोल्हापुर वैभववाड़ी जो नया मार्ग था वो 2016 के रेलवे के अर्थ संकल्प में सुरेश प्रभु जी ने घोषित किया था, उसके बाद उसको उसी टाइम 200 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया था, उसके बाद उसका सर्वे भी हुआ, DPR भी बना, उसके बाद तो मैं जहाँ पे भी सिर्फ रेलवे मंत्री के नाते जाती हूँ तो वहाँ DM के साथ, GM के साथ बैठ के, सभी सांसदों के साथ बैठ के, MLA के साथ के बैठ के उसका रिव्यू लेती हूँ। लेकिन अभी मैं यहाँ पे आई हूँ सेलिब्रेशन में जो लाभार्थी योजना, तो DRM से मेरी हुई है, लेकिन जितनी भी आपकी डिमांड है आप मुझे भी देंगे आपके माध्यम से और धनंजय भाई के माध्यम से या तो पार्टी के माध्यम से जो आएंगे उसका जवाब आपको मिल जाएगा। डबल इंजन की सरकार जहाँ जहाँ पे भी और जितने भी सरकार की योजना है आप लोग उनका सर्वे जरूर कर लीजिए। जैसे आयुष्मान वाली किसान सम्मान निधि की बात करती हूँ, पश्चिम बंगाल में नहीं मिल रहा है क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट ने नहीं एडॉप्ट किया है, लेकिन यहाँ तो किसानों के खाते में गए पैसे। ये अन्न सहाय योजना हम लोगों ने तो ऐसा नहीं किया, और प्रधानमंत्री जी खुद राज्य के मुख्यमंत्री रहे, 13 साल रहने के बाद में स्टेट की क्या समस्या उनको अच्छे से पता है, तो स्टेट का जो स्टैक था वो भी उन्होंने बढ़ा दिया है। पहले जो उनको 20% मिलते थे 22, अभी 45% उनको रीबैक मिलता है। तो स्टेट की योजना को साथ में मिलकर, क्योंकि कोई भी योजना का इंप्लीमेंटेशन स्टेट के माध्यम से होता है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को जवाब देने के लिए। लेकिन सच में अगर आप मुझे जन कल्याणकारी 13 योजना के बारे में पूछेंगे जो आज मैंने जिसका रिव्यू किया है, इसमें कहीं पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कहीं पे भेदभाव नहीं है, कहीं जातिवाद नहीं है, कहीं भी किसी लोगों को मिला किसी को नहीं मिला, जितने भी अप्लाई हुआ सभी को इस योजना का लाभ मिला है। आपने बुलेट ट्रेन जो गुजरात से काम कर रहा है उसके बारे में उनको उनके साथ बातचीत चल रही है, हमेशा हम करते रहे, उमरगांव तक का काम पूरा कर लिया है, थाने के बाद वाले काम में जो जगह एक्वायर करनी है इसमें भी कई कई जगह पे सपोर्ट मिल रहा है। दानवे जी पे यहाँ से रेल मंत्री है महाराष्ट्र से, तो उन्होंने भी एफर्ट किया है, MR ने भी खुद बातें करी है, अगर डेवलपमेंट दिखेगा विकास दिखेगा तो उसके साथ
हम कुछ नहीं करते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि बुलेट ट्रेन के अंदर तो शुरुआत में जापान टेक्नोलॉजी, लेकिन अब जो प्लेटें लगी, अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ, अब जो एलएनटी के माध्यम से हमारे इंजीनियर्स काम करते हैं, वो तो भारत में बनने वाला है। तो आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए हमारे टेक्नीशियन इतने होशियार हो गए, इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं आप सबको इन्वाइट करती हूँ कि सब लोग आइए, नवसारी का सबसे बड़ा डेपो जरूर देखिए, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखिए, जो हम लोगों ने संकल्प किया है। और प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि जो हम बोलते हैं वो करके देते हैं, उस जिसका खात्मुहूर्त करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। तो हम लोग कोविड के दो समय में भी ये काम नहीं रुका है और चलता रहा, हर उसकी गति स्लो हुई है, लेकिन हम लोग कटिबद्ध है कि दो साल जो पीछे हुए हैं उसमें लॉन्ग टर्म की तरह हमें आगे बढ़ना है, और वो हमारा संकल्प हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। बहुत सारी है जो स्कीम बताई मैंने, मेगा पार्क वाली पीएलआई स्कीम जो हुई है, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट वाले को आर्टिसन को कार्ड मिलते हैं, उनको पहचान पत्र मिला है, उसकी मार्केटिंग की योजना बनाई गई है, उनको टूल किट दिया जाता है, उनको बहुत सपोर्ट मिलता है। जैसे कोल्हापुर की चप्पल, उनके लिए कैसे उसको मार्केटिंग स्कीम मिले, और भी चीज़ें हैं, पैटरी जो महाराष्ट्र की है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो बहुत सारा ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको जब ऐसे जीआई टैग वाली चीज़ होती है, जीआई वाले चीज़ों को जब बायलिटरल रिलेशन होता है, जैसे यूके के साथ हुआ, यूरोप के साथ, यूएई के साथ हुआ, तो वो लोगों को बिजनेस करने में आसानी है। अभी वो अलग देते हैं ना, ओके ठीक है। Thank you.